गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा दिन है बीजिंग टू शांघाई राइड का D5। सो हमने कल रेस लिया था और आज हम वापस साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कल पूरे जो भी हमारा इक्विपमेंट था उसको सब ड्राई कर लिया है अभी। और आज हम क्लाइंब करने वाले हैं ताईशान माउंटेन, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में आता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। लेकिन वेदर इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, वेदर पूरा। और हमें उसी तरफ जाना है जो कि माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, तो उस साइड में ही जाना है। 8:30 तो बज गए, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ पे जाने वाले हैं। सो राइट नाउ वी आर इन जीनान। सो जीनान से हमें जाना है ताईशान। सो वो ये वाला यहाँ पे एक रूट है, या तो यहाँ से जा सकते या फिर ऐसा घूम के भी जा सकते। ब्रेकफास्ट हो गए, लेकिन एक कॉफ़ी ले लेते, तो कॉफ़ी ले लेते हैं। हेलो, बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है, ओपन हो गया है, बादल वगैरह ओपन हो गए, निकलना पड़ेगा अभी। कितना बज गए? 9:30 बज गए हैं। सो अभी निकलते हैं हम। इतना आराम से, इतना स्लो स्लो कभी नहीं निकला मैं इतने 3-4 दिनों में, लेकिन आज ज़्यादा ही हो गया। एंड वी आर स्टार्टिंग आवर राइड। टफेस्ट राइड यू कैन से। बादल हट गए तब तक अगर सिटी से बाहर निकल गए तो मज़ा आ जाएगा। तो कल जैसी हालत होने वाली है ऐसा लग रहा है, कल से भी बुरा हो गया है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़्यादा ही कम है, 10 से भी नीचे है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। ये अगर माउंटेन क्लाइंब हो गया ना, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बारिश आएगी। ठंड कुछ ज्यादा ही है भाई, और मैंने कोई थर्मल लेयर भी नहीं लाई हुई है। जो भी टी शर्ट वगैरह है वो सभी शॉर्ट्स है। आप टी शर्ट्स पर फुल स्लीव्स वाले एक भी टी शर्ट नहीं। यप, बारिश ज्यादा तेज नहीं है, बारिश ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन जो है वो एक कंटिन्यूअस है, बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और कंटिन्यूअस बारिश। और भाई साहब
ये है नजारा यहाँ का। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है घुटनों को। अभी तक हमें हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन है वो दिखाई नहीं दे रहा, शायद बादलों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है या फिर माउंटेन्स। हेलो, अरे एक साइकिलिस्ट गया। हमारी बाइक को है सिर्फ एक ही ब्रेक, पीछे वाला ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत ही संभल संभल के जाना पड़ेगा। अभी तक 32 किलोमीटर्स हो गए हैं और क्लाइंबिंग भी अच्छे से जा रही है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, सो उसकी वजह से नॉर्मल फील हो रहा है। थोड़ा क्लाइंब करने के बाद वापस फ्लैट सरफेस आ रहा है, वापस थोड़ी क्लाइंबिंग, वापस थोड़ा फ्लैट सरफेस, उसकी वजह से ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ हम बहुत बड़े माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं या कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, आगे जाके थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऐसा लग रहा है मुझे। मैप पे तो कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन जो मैंने एस्टिमेशन निकाला है कुमुट के ऊपर, उससे लग रहा है कि आगे होगा थोड़ा। लेट्स सी क्या होता है। ऊपर जाना है। शिट।
हम अच्छी खासी क्लाइंबिंग कर ली हमने अभी। ये देखो हम लोग कहाँ से आए हैं, ये वाला रूट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये और जो लास्ट वाला माउंटेन दिखेगा स्क्रीन पे, थोड़ा बादलों में वो, हम वहाँ से क्लाइंबिंग कर रहे हैं और हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके आगे और थोड़ा सा है शायद। किसी विलेज में एंट्री कर रहे हैं शायद अपन। बहुत बढ़िया गेट है, एंट्रेंस भी जबरदस्त है। अभी देख बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी बस 21 किलोमीटर बाकी है। ऑसम, जो डाउन हिल चाल होता है ना तब पूरा जो रेन है वो अपने ऊपर आता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो नॉर्मल बारिक, बहुत ही बारिक बारिश चालू है। लेफ्ट लेना है शायद। यस, वी आर ऑन राइट ट्रैक, आई थिंक सो। यस, जायचं, वर जायचं, खाली जायचं, खाली जायचं, खूप पता नहीं। बहुत सारे घरों के बाहर देखा मैंने, वो पता नहीं क्या है। अरे भाई ये तो पूरा स्टीप है।
अरे यार भाई भाई स्लो कर ले भाई, स्लो कर ले। थैंक यू भाई ने स्लो कर लिया भाई, गया। माहौल देखो, गजब गजब, पूरी ट्रिप वसूल हो गई मेरी। छह सौ अस्सी मीटर और फिर डाउन हिल चालू होगा। घर कितना सही सजा है, गार्डन तो बहुत जबरदस्त है। हमारी सिटी आ गई है, हमें इधर जाना है। अभी सिर्फ 20 किलोमीटर्स बाकी हैं, थोड़ा सा राउंड होगा माउंटेन्स में, इसकी वजह से 20 किलोमीटर्स बता रहा है। ये देखो पूरा दिन मैं माउंटेन्स में था, ऐसा बादलों के बीच फुल ऑन मज़े, फुल मज़े आए आज। फुल ऑन एफर्ट्स मार रहा है भाई, गजब गजब। लास्ट वाला एक कंपाउंड देखा था, वो भी मिलिट्री जोन था। यस, इनको मिल गया है हॉलिडे एक्सप्रेस इन। थैंक यू। सो पहले वाला होटल ने तो मना कर दिया, थोड़े ज्यादा पैसे पे करके अभी ये होटल लिया है हॉलीडे एक्सप्रेस है। और फ्रंट टायर का भी कुछ लफड़ा हो गया, वन आफ्टर अनदर।